Maximum marks are 8. Like today we are trying to solve this. It is said that when you educate a boy, you educate an individual. But when you educate a girl, you educate an entire family. First, try to understand the question. With reference to this, write an article in 100 to 150 words. ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन यू आर अनू और अनूप फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कहा जाता है कि जब आप किसी एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं शिक्षित कर रहे हैं बट अपितु जब एक कन्या को या गर्ल को आप पढ़ा रहे हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं इस विषय पर हमको सौ से डेढ़ सौ शब्दों में आर्टिकल लिखना है लेट अस फॉल इन टू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन यू मे बी अनु और अनूप आप अनु या अनूप हो सकते हैं इट इज अ फैक्ट क्या फैक्ट है कैसे हमने शुरू किया है इट इज अ फैक्ट दैट एवरीबडी हैज द राइट टू एजुकेशन सबको जैसा हमने उस दिन चर्चा की थी पहले हमने इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम की बात करनी है देन वी शुड डिस्कस सॉल्यूशन एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड रिजल्ट बाय आवर सॉल्यूशन तो सबसे पहले हमें इसी को एड्रेस करना है आखिर ये क्या है हमारी नज़र में इसका क्या समाधान है क्या सॉल्यूशन है और इस समाधान या सॉल्यूशन से क्या रिजल्ट है? हम अपेक्षा करते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड सो so, पहली ओपनिंग लाइन क्या है थोड़ा सा पैराग्राफ स्टाइल में लिखें इसको आप इतनी जगह छोड़ दीजिए इट थोड़ा दूर से लिखना हमें इट इज अ फैक्ट दैट एवरीबॉडी हैज द राइट टू एजुकेशन सबको है राइट टू एजुकेशन इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कों को पढ़ाना बंद करें नहीं वो कह रहे हैं अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरी फैमिली एक और पढ़ रही है पूरा परिवार पढ़ रहा है सो सी द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑफ गुड क्वालिटी हैज बिन रीअॉर्म्ड इन ऑल ह्यूमन राइट कन्वेंशन यानी कि अभी तक जितने भी ह्यूमन राइट्स की बातें हुई हैं समितियाँ बनी हैं संगठन बने हैं बातें हुई हैं वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ये सबका अधिकार है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मीन्स क्लास तक सबके लिए बिना लड़की और लड़की का भेदभाव किए अच्छी क्वालिटी की ऑफ अ गुड क्वालिटी तो ये हमने इनका वी हैव द टॉपिक इन तीन शुरू की लाइन में हमने इस टॉपिक को एड्रेस कर दिया है कैसे कि बार बार ये घोषणा हुई है रिअफ़र्म्ड इसको मजबूती से समझा और समझाया गया है सभी जगह जहां भी मानवाधिकारों की बात हुई है, हुई है या समितियां हैं जो भी हैं वहां पर ये बात उठ चुकी है सेकेंड पैराग्राफ में हमने वापस मैं आपको कहूंगा एक आपको यहाँ पे ये यह आपको लीव अ गैप बट के बाद कॉमा है गौर से देखिए अनफॉर्चुनेटली जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन इज एक्सट्रीम बदकिस्मती से किंतु बदकिस्मती से लिंग भेद अभी भी हो रहा है कहाँ पर एजुकेशन में चरम सीमा पर है एक्सट्रीम का मतलब अभी भी चरम सीमा पर है गर्ल्स आर लेस लाइकली टू असेस स्कूल आज भी लड़कियों का स्कूल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है टू तो रिमेन इन स्कूल और टू तो अचीव एजुकेशन और स्कूल में अगर पहुंच भी गए तो वहां बने रहना चौथी या पांचवी क्लास तक जाते रहें और शिक्षा पाते रहें यह थोड़ा सा लड़कियों के लिए मुश्किल काम है एजुकेशन क्या करता है एजुकेशन प्लेज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल एज अ फाउंडेशन ऑफ गर्ल्स डेवलपमेंट टुवर्ड्स एडल्ट लाइफ हमारे विचार अब शुरू हो गए हमने क्या कहा शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है शिक्षा पर कि नीवे है हमारी फाउंडेशन है लड़कियों के लिए विकास जब वो बड़ी हो जाएंगी एडल्ट लाइफ जब शुरू होगी तो ये शिक्षा उनको बहुत लाभकारी होती है इट एनेबल्स देम टू सिक्योर अदर राइट्स दूसरे भी अधिकार पाने का एक जरिया है शिक्षा शिक्षित होना लड़की के लिए दूसरे अधिकारों की प्राप्ति का भी साधन बनेगा इट हेल्प्स देम टू डेवलप स्किल्स दैट अलाउड देम टू मेक डिसीजंस एंड इन्फ्लुएंस कम्युनिटी चेंज इन की एरियाज इट यहाँ क्या मतलब है इट का शिक्षा ये उनको शक्तिमान बनाएगा योग्य बनाएगा दूसरे राइट ले लें और इट वापस से क्या करेगा इनकी स्किल्स योग्यताएं बढ़ेंगी जो कि इनको निर्णय लेने में सहायता करेंगी और इसका हमारे समाज पर भी असर होगा और हमारे जो की एरियाज हैं की एरियाज क्या है हमारा हेल्थ एजुकेशन फैमिली प्लानिंग एम्प्लॉयमेंट ये हमारे की एरियाज हैं अगर लड़कियां शिक्षित होंगी इन की एरियाज में इनको निर्णय लेने में आसानी होगी और पूरे देश को ऐसा समझा जाएगा फायदा होगा समाज को फायदा होगा देन कम्स थर्ड पैराग्राफ वंस अगेन आई विल लाइक टू कीप दिस मच ऑफ मार्जिन इतनी मार्जिन छोड़ दीजिए देखा आपने इट यहां है बट यहां है एजुकेशन है आगे हम लिखते हैं चर्चा करते हैं एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ एम्पावरिंग वुमेन विद द नॉलेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस नेसेसरी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस क्या कहा जा रहा है शिक्षा एक बहुत बड़ा बहुत जिम्मेवार इनको सशक्तिकरण एम्पावरिंग का मतलब सशक्तिकरण महिला सिकरण का बहुत बड़ा एक औजार है क्या होगा इससे नॉलेज बढ़ेगी योग्यता स्किल्स बढ़ेंगी आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है क्या शिक्षा और पार्टिसिपेट फुल्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस खुद का भी समाज का भी देश का भी इसमें ये पूर्णतया भागीदारी निभाएंगी भागीदार होंगी खुद का भी विकास परिवार का भी विकास और देश का और समाज का तो है ही है तो ये बात हमने कही है द एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ विमेन कैन द फैमिली एंड अक्रॉस जनरेशन जो इनकी एजुकेशनल अचीवमेंट होंगी जो जितनी ये शिक्षित होंगी, वो बहुत अच्छी लहरें उठेंगी रिपिल लहर का जैसा असर बनेगा परिवार में तो बनेगा ही बनेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहेगा एजुकेटेड विमेन कैन रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर बेटर लाइफ ने सशक्तिकृत महिला पढ़ी लिखी लड़की पढ़ी लिखी महिला पहचानेंगी विल रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर बेटर लाइफ अच्छे जीवन के सारे संकेतों को पहचानेंगी वो जान जाएंगी दे नो हाउ टू सीक इट फॉर देर सेल्व एंड देयर फैमिली वो समझ जाएंगी जान जाएंगी कि कैसे हम हाउ टू सीक इट कैसे हम शिक्षा प्राप्त करें अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और ये जितने हम अधिकारों की बात कर रहे हैं परिवार के लिए स्वयं के लिए ये भी हम कैसे पा सकती हैं ये उनको समझ बूझ होगी आफ्टर ऑल अब देखिए ये हम बढ़ने लगे कॉन्क्लूजन की तरफ आफ्टर ऑल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन लेज द फाउंडेशन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी हम ये कहना चाहेंगे अंत में कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन यानी गर्ल यानी हम अब बात करने लग गए प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से कि छोटी लड़कियों को जब एजुकेशन मिलेगी मसलन पहली क्लास से पांचवी क्लास तक तो ये एक नींव का पत्थर साबित होगी लेज द फाउंडेशन उनका भविष्य उज्जवल होगा ब्राइट फ्यूचर फॉर द सोसाइटी समाज का भी उज्जवल भविष्य होगा ही होगा देन वी से अ गर्ल्स एजुकेशन एजुकेशन द द ऑफ होल फैमिली हम अब वापस कह रहे हैं इस बात को कि यही नहीं इतनी सारी बातें नहीं गर्ल्स यानी एक लड़की को पढ़ाना मतलब पूरे परिवार को पढ़ाना और इन टर्न आगे चल के पूरा देश पूरा समाज उससे लाभान्वित होगा ही होगा वॉट वी से इन एंड अ गर्ल्स एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन ऑफ द होल फैमिली आई विल से एजुकेशन

कि वी डिस्कस व्हाट इज टू अस सेकंड में ये करने की कोशिश कीजिए क्या प्रॉब्लम है उसका समाधान क्या है वी रीच टू द थर्ड हमने जो समाधान बताया है उसका क्या रिजल्ट होगा क्या उसके बेनिफिट्स होंगे इन द एंड जब भी आफ्टर ऑल बट ऑल दो ऐसे शब्द से लास्ट का सेंटेंस जरूर आप लिखने की कोशिश करें एंड दिस इज ऑल फॉर हाउ टू गेन बेटर मार्क्स इन आर्टिकल राइटिंग हमको चॉइस मिलती है या तो लेटर यू लिखें या आर्टिकल लिखें चॉइस आपकी है जिसमें आप यू फील कॉन्फिडेंट हमने दोनों किए हैं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है जरूर आप कॉमेंट uh, सेक्शन में बताइए आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट और इसमें अगर कोई आपको लगता है कि ये चीज़ और बताइए बताइएगा सो विद दिस आई विश यू अ वेरी गुड लक इन योर कमिंग एग्जाम्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स